रद्द करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल का सामान भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है तो मैं कल जाकर के लड़का को दिखाऊंगा। तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सभी जो बैठे हुए हैं ये लड़के पक्ष के बैठे हुए हैं। यहाँ पे लड़के की माँ, लड़के के पिता और लड़का स्वयं बैठा हुआ है। अब यहाँ से जो है शादी का प्रोसेस जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से शादी जो है शुरू किया जा रहा है। तो आप संयम बना के थोड़ा सा देख सकते हैं। मेरी बेटी सियानी हो गई इसीलिए हम आए हैं कि मेरी बेटी की शादी करना है। अभी हमारे लड़का का उम्र अभी 16 साल का है। अभी वो पढ़ने के लायक है। अरे तो उससे क्या हुआ, मेरी बेटी का अभी उम्र तो 14 साल है। अच्छा सोचेंगे इस बार, विचार कर लीजिएगा। कल हो सके तो आ जाइएगा। ठीक है सुनिए, कल चलेंगे हम लड़के। आपको के एक्शन दो अपना खाली है ना, आप नहीं जाते नहीं। आकांक्षा की माँ जी बोलिए, कितना समय हो गया लड़के वाले अभी आए नहीं। आते ही होंगे, देर हो गया होगा आने में। थोड़ा फोन लगा के देखो। हेलो, अच्छा अच्छा देर हो गया, जल्दी आ जाइए। कम उम्र के बच्चों की शादी
कानूनन अपराध है। तो आपके अगर घर में या आस पड़ोस किसी भी कम उम्र वाले बच्चे की शादी हो रही है, यानी कि 18 साल से पहले और 21 साल से पहले, तो आप पुलिस में इन्फॉर्म पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और इन्फॉर्म करके बता सकते हैं कि इनकी कम उम्र में जो है शादी हो रही है। और इन दोनों बच्चे की जो है शादी हो रही थी कम उम्र में, इसलिए पुलिस ने इनके माता पिता को 3 साल की सज़ा सुनाई है। तो न्यूनतम उम्र जो है लड़की का 18 साल होना चाहिए और न्यूनतम उम्र लड़का का कम से कम 21 साल होना चाहिए। तो इस अवधि में अगर आप विवाह करते हैं तो कानूनन अपराध नहीं होगा, उससे पहले अगर आप विवाह करते हैं तो कानूनन अपराध माना जाएगा। तो एक छोटा सा ये प्रस्तुति था आप लोगों के बीच, यानी सामाजिक जागृति की तरह बच्चों ने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।